हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं सी लैंग्वेज जो कोर्स हमने कल स्टार्ट किया था उसका आज सेकंड वीडियो है। ये वीडियो प्रेजेंट किया गया है मेरे द्वारा सियाराम, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर। इस वीडियो में हम या इस कोर्स में हम पूरा सी लैंग्वेज का जो भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का सी लैंग्वेज का जो भी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारे वीडियोज़ की साइज़ जनरली 20 मिनट के आसपास रहेगी हर वीडियो, और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस BTR के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा था, सी लैंग्वेज क्या होती है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये वाला कोर्स है जो इन वाले कोर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, CS 201, इलेक्ट्रिकल 208, MA 210 और इलेक्ट्रॉनिक्स 210। ये सिलेबस था। देन नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको थोड़ा और फिर से आज देखते हैं एक बार। लैंग्वेज क्या होती है पहले ये देखते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। देखिए लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है, संचार हो सकता है। जैसे मुझे मेरी बात आप तक पहुंचानी है, इस वीडियो में मैं एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, एक भाषा यूज़ कर रहा हूँ, वो भाषा हिंदी है। उस हिंदी भाषा का प्रयोग करके मैं, मेरे पास जो भी कुछ मैसेज है, कुछ संदेश है, कुछ निर्देश है या कुछ भी चीज़ जो भी है, मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। वो आप तक पहुंचाना पाना क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, सपोज़ उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक भाषा ज़रूरी है, भाषा के अलावा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई भी संदेश या कोई भी निर्देश को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचाने से भाषा तो ज़रूरी है ही, उसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि वो जो भी भाषा है वो दोनों पार्टीज़ को आना ज़रूरी होती। मान लो मैं अभी हिंदी की जगह फ्रेंच बोल रहा होता या कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहा होता जो आपको नहीं आती, मैं कितना भी अच्छा उस लैंग्वेज में बोल लूँ, कम्युनिकेट कर लूँ, आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। कोई भी कम्युनिकेशन के लिए प्रीरिक्विजिट है दोनों आदमियों को भाषा आनी चाहिए, और वो भाषा जो आनी चाहिए वो सेम भाषा दोनों को आनी चाहिए। तो ये तो बात हुई दो ह्यूमन के बीच में आपस में बातचीत करने की या वार्तालाप के लिए। अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को कुछ निर्देश देना है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम कुछ नहीं होते, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश होते हैं, जो कि कौन देता है, जो प्रोग्राम बना रहा होता है। जैसे कोई प्रोग्रामर रहेगा, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग रहता है, तो जैसे मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है कि दो संख्याओं का योग करना है, ये प्रोग्राम बनाना है, ये प्रोग्राम के लिए मैं कंप्यूटर को निर्देश दूंगा। सिंपल सी बात, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम दोनों को एक ऐसी भाषा आनी चाहिए जो मुझे भी आती है और कंप्यूटर को भी आती है। और ये आपको पता होगा, कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश तो आती नहीं है, तो कौन सी लैंग्वेज आती है? तो वो सब लैंग्वेज जिसमें जो कंप्यूटर को समझ आती हैं उनको हम उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका एक एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज है, और भी होती हैं, C++ होती है, जावा होती है, और काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाएंगे आपको। ये तो अपना हुआ है कि इनफॉर्मल डेफिनेशन, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये होती है कमांड इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश और अदर सिंटैक्स का समूह होती है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग में होती है। कमांड कैसे हो सकती है, कमांड का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, हम कमांड मतलब मैं कंप्यूटर कह दूँ कि ऐड करना है, ऐड एक कमांड हो सकती है, सबट्रैक्ट करना है मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से घटानी है, एक संख्या को दूसरी संख्या घटानी, मल्टीप्लाई करना एक कमांड हो सकती है, एक कमांड ये भी हो सकती है कि प्रिंट करो कुछ, जो मॉनिटर अपना कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है, उस पर प्रिंट करने के लिए कुछ आ सकता है कि आप प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, एक कमांड दे सकता हूँ मैं। निर्देश दे भी ऐसी है कि कंप्यूटर को निर्देश, ये अलग अलग टाइप के निर्देश दे सकता हूँ मैं, कि आप निर्देश में ये हो सकता है पहले फर्स्ट ये काम करो, देन सेकंड ये करो, फिर थर्ड ये करो, ये भी हो सकता है कि ए अगर बड़ा है 20 ऐसे कोई निर्देश दे दूँ, ए बड़ा है 20 है तो प्रिंट करो ए को, नहीं तो किसको प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट बी, इस टाइप का कुछ निर्देश दे सकता हूँ।
इस ये सब निर्देश दे सकते हैं अपन, और भी सिंटैक्स हैं, ये सारे सिंटैक्स यूज करके हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं जिसका अल्टीमेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना। और वो प्रोग्राम एक फिक्स काम कर रहा होगा, एक टास्क कर रहा होगा, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है, एक टास्क परफॉर्म करता है। और वो टास्क कैसे परफॉर्म करना होता है ये हम उस जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर लिखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज इस केस मान लो अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज एक एग्जांपल हो गया। सो कंप्यूटर को जो भी परफॉर्म करना है उसको अपने आप कुछ नहीं करता। कंप्यूटर क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है जिसमें बस क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, क्या होता है एक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर देखो आप तीन चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ें होती हैं, डेस्कटॉप रहेगा, सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा और माउस रहेगा। ये सब चीज़ें, ये हार्डवेयर है, अपने आप से कोई भी हार्डवेयर कोई काम नहीं करता, हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और इसीलिए हमें ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, तभी हम कोई प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है, सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सी लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज होती है, कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर लैंग्वेजेस के दो टाइप होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज उसका एक टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है। एक और चीज़, कंप्यूटर को जो डायरेक्टली कोई चीज़ लैंग्वेज रीड कर पाता है वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। इससे बाइनरी, उसमें क्या होता है, जो भी निर्देश अपन लिखे रहते हैं वो बाइनरी में लिखे रहते हैं। बाइनरी मतलब आपने फर्स्ट ईयर में सुना होगा, मतलब जीरो और वन में सारे निर्देश लिखे रहते हैं, वो लो लैंग्वेज। लेकिन हम बाइनरी में निर्देश लिखना अपने लिए बड़ा मुश्किल टास्क होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और उसको याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, उसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखते हैं। और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, इस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से अपने आप लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इस कंपाइलर के एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है कंपाइलर वो होता है टर्बो, C++ जो काफ़ी ट्रेडिशनली यूज़ होता था। आजकल काफ़ी एडवांस थोड़े बेटर आ गए कंपाइलर्स आ गए, डेव C++ हो गया, और कुछ IDEs भी आजकल मिल जाएगी आपको। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये धीरे धीरे आपको बाद में समझ आएगा क्या है इंटीग्रेटेड, मतलब उसके एनबिलिटी सब कुछ होता है, बस आपको प्रोग्राम लिखो और IDE सब कुछ प्रोग्राम का जो भी बाकी चीज़ें वो सब हैंडल कर लेगा, कंपाइल करना, उसमें एरर निकालना, ये सब खुद से करके दे देता है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। फिर हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज को एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अपन सी लैंग्वेज सीखनी है, उससे पहले अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती तो क्या करते हैं अपन, पहले अपन सीखते अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को मिला के अपन बनाते वर्ड, और वर्ड से मिलके क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलके बनता है पैराग्राफ। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, स्मॉल भी और कैपिटल भी। सेम चीज़ सी लैंग्वेज में, ओनली अल्फ़ाबेट से काम नहीं चलता, अल्फ़ाबेट तो होती हैं सी लैंग्वेज का, कोई भी प्रोग्राम जो भी लिखोगे उसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ डिजिट भी होती हैं, मतलब डिजिट मतलब 0 to 9, 0, 1, 2, 3, ये सब 9, कुछ स्पेशल सिंबल भी यूज़ होते हैं। स्पेशल सिंबल्स के एग्जांपल क्या है, जैसे आपने सुना होगा एट देखा होगा, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलोन हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश हो गया, बैकवर्ड स्लैश हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको इस ऐसे कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। ये सब कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। तो ये सब अपन को यूज करने हैं, ये अपन आगे वन बाय वन देखेंगे। इन सब से मिलके अपन जो एलिमेंट्स बनते हैं उनको बोलते हैं, उससे इन सब से मिला के कुछ कॉन्स्टेंट बनते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनते हैं, कीवर्ड्स या ऑपरेटर्स वगैरह भी होते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। और इन सब का प्रयोग करके हम क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी निर्देश, कंप्यूटर को सारे निर्देश लिखते हैं, और बहुत सारे निर्देशों को समूह को अपन बोलते हैं प्रोग्राम। तो ये एक फ्लो हो गया, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और इससे ये बनेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में कह दूँ कि दो संख्याओं का योग करना है, सेम चीज़ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है, वो योग करने का निर्देश वहाँ पे ऐसे नहीं लिख के कुछ ऐसे देंगे, A+B कर दो और उसका मान C में डाल दो, इस टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन रहती है। A+ मान लो मैं C इक्वल टू करूँ,
ए प्लस बी। तो ए कंप्यूटर को निर्देश दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि ए प्लस बी करो और उसका मान सी में डाल दो। तो इस टाइप के अपन इंस्ट्रक्शन और ऐसे बहुत सारी लाइंस को मिलके एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कंपाइलर में वो प्रोग्राम रन कैसे होता है। आज यही देखेंगे प्रोग्राम कैसा दिखता है, उसके टेक्निकल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे हम समझेंगे प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। आज हम फर्स्ट एक प्रोग्राम देखते हैं, उसको रन कैसे किया जाता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कैसा दिखता है और आप कौन सा कंपाइलर प्रयोग कर सकते हो। ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम है। ये मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने से पहले जनरली हम इसी टाइप का ही प्रोग्राम लिखते हैं। ये फेमस प्रोग्राम है ये, मान लो। ये प्रोग्राम का काम क्या है, ये कुछ नहीं है, इनपुट कुछ नहीं लेता, तो कोई इनपुट नहीं लेगा, ये प्रोसेस करेगा और आउटपुट में क्या देगा, बस इतना लिखेगा ये। अगर मैं इसको रन करूँ तो स्क्रीन, इसको अगर मैं रन करूँ कंपाइलर में तो स्क्रीन पर लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। बस इस ये पूरे जो भी लाइन है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लाइन का प्रोग्राम है। 5 लाइन का प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइलर में रन करूँ इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। बस ये वाली लाइन जो है हेलो वर्ल्ड, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा इतनी, इसके बीच हेलो फिर कॉमा फिर स्पेस वर्ल्ड WORLD और उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन, इतना प्रिंट करेगा ये। अगर इसमें थोड़ी कुछ चीज़ें मैं बताऊं, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप बाद में डिटेल में देखेंगे, बस थोड़ा सा देखने वाली। यहाँ पे एक कमांड प्रिंट, इससे हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर, प्रिंट कहाँ पे करता है, मॉनिटर पे करेगा, जो अपना डेस्कटॉप रहता है ना, डेस्कटॉप पे इसके ब्रैकेट के अंदर जो डबल कोट्स लिखे रहते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ रहती है, लगभग कुछ चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम भी मान लो, अभी तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा रहता है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कर देता है, बस कंप्यूटर इतना करेगा। बाकी ये क्या है ये सब हम देखेंगे, ये भी क्या होता है रिटर्न जीरो, ये सब क्या कम्प्लीटली अपन देखेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, हमें कंपाइलर चाहिए। ये तो हमने, ये प्रोग्राम कहाँ लिखना है आप लोगों को, कुछ आप डायरेक्टली कोई भी कंपाइलर ओपन करें, मान लो DEO C++ एक कंपाइलर होता है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं DEO C++ और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये वाला, ये DEO C++ कंपाइलर है, मेरे पास डाउनलोडेड था, उसमें मैंने ये वाले चीज़ें लिखी, ये पूरा प्रोग्राम लिखा ये वाला। पहली लाइन में क्या लिखा, हैश के बाद इंक्लूड फिर स्पेस ब्रैकेट ओपन stdio.h स्टार। सी लैंग्वेज में देखने वाली बात है कि सारे के सारे जो केस हैं केस सेंसिटिव, मैं पिछली लाइन में लिख देता हूँ क्या रूल्स हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने छोड़ा है। पहले तो जो चीज़ें हैं सारी की सारी केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपने अगर ए लिखा है ABC तो इसका मतलब कैपिटल ए लिखा है स्मॉल बी लिखा है तो यही होगा। अगर आपने इसकी जगह वापस आगे कहीं अगली बार प्रोग्राम में ABC लिख दिया, इसका मतलब ये दोनों चीज़ अलग है, ये नॉट इक्वल टू दिस है। मतलब अगर कैपिटल और स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उनको सी लैंग्वेज अलग अलग ट्रीट करता है। ठीक है, दूसरा कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें फाइल, उसको प्रोग्राम लिख के लास्ट में सेव करना है, सेव में .c कर लेना, .c फाइल। जैसे मान लो मैं प्रोग्राम का नाम दे दूं hello.c, तो इस टाइप की फाइल बनेगी hello.c। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप, इस वाले में C++ फाइल बनी है, कई बार मतलब क्योंकि हम इसी कंपाइलर में C++ के प्रोग्राम भी लिखते हैं तो CPP भी आ जाता है, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो रन करने के लिए क्या होता है, ये वाला ऑप्शन है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पर आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएगा, पहले कंपाइल का, पहले ऑप्शन आएगा कंपाइल, एग्जीक्यूट के करने पे आएगा कंपाइल, तो आपको कंपाइल बटन पे क्लिक करना है। कंपाइल क्या करेगा, जैसे आप कंपाइल बटन पे करोगे तो वो चेक करेगा इस प्रोग्राम में कुछ एरर तो नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर हुई तो नीचे एरर्स लिखी आ जाएंगी, जैसे ऐसे कुछ लिखाएगा Error 1, आगे जो भी एरर है Error 2, इस टाइप की एरर आएंगी। अगर एरर कुछ नहीं हुई तो लिखा आ जाएगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। जैसे कंपाइल कर दिया उसके बाद इसी एग्जीक्यूट बटन को आप दबाओगे, इसी एग्जीक्यूट बटन को दबाओगे तो उसमें ऑप्शन आएगा रन,
अगर कंपाइल सक्सेसफुल हो जाता है उसी के बाद रन होगा, अगर कंपाइल नहीं हुआ तो रन नहीं होगा कभी भी। रन करने के बाद इसका आउटपुट आएगा, ये वाला आउटपुट है, मैंने रन करके देखा। तो आउटपुट करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी इस टाइप की, ये वाली नई विंडो है अलग से ऊपर खुलेगी, ब्लैक कलर की विंडो खुलेगी। इसमें देखो आउटपुट ये वाला आ रहा है हेलो वर्ल्ड। नीचे तो बस ये लिखा रहा है कि प्रोग्राम को रन होने में 0.0131 सेकंड लगे और रिटर्न वैल्यू जीरो है, कुछ भी एक भी की दबाओगे तो ये वाली जो विंडो है ये बंद हो जाएगी। ठीक है, रन होने के बाद उस प्रोग्राम को रन आया था, आउट क्या आया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ये तो मैंने ऑलरेडी रन करके रखा था इसलिए आउटपुट आ गया। आप लोगों अगर इसको क्या कर सकते हो, अभी आप लोगों का टास्क यही है, सबसे पहले अगर कंप्यूटर आपके पास है तो ये वाला डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे गूगल में जाओ, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, ऐसे सर्च करो, सर्च करोगे ये वाला, इस पर ये वाला मान लो ब्लड सेट डेव सी वाला है, जो भी है कहीं से भी कोई सा वाला भी, ये वाला क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करके ये खुलेगा, इसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला। कंप्यूटर में खोलोगे तो ये वाला फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज़, ऐसा विंडोज़ के लिए आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आप मोबाइल में है तो एंड्रॉयड दिखा रहा है, एंड्रॉयड वाला नहीं, हमें विंडोज़ के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में विंडोज़ होगी तो विंडोज़ के लिए वाला सॉफ्टवेयर अपने को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एक काम और कर सकते हो, एक सेकेंड, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, अगर उसमें अगर प्रोग्राम ये वाला, अगर इसमें भी हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं, अगर मोबाइल में अगर आपको रन करना है तो मोबाइल में एक मैंने ऐप किया है, ऐप का नाम है CPP ड्रॉइड DROID। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं। ओके, ये ऐप अभी डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम एक और काम कर सकते हैं। अगर सी लैंग्वेज, अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम रन कराना है, यहाँ पे लिखो, गूगल पे जाके सर्च करो सी लैंग्वेज ऑनलाइन कंपाइलर, उसमें जो ये वाला ऑप्शन, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन है कोडसेप की जो साइट है, ये वाला ओपन कर लो। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन रन, कोई कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर अपना प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हो। ये वाला जो आप, इसमें आप अपना बस प्रोग्राम डालो, यहाँ पे मैंने बस ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी, लैंग्वेज अपने को लिखना है सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में, तो सी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है ये वाली। यहाँ पे अपना प्रोग्राम, कुछ चीज़ें इसने ऑलरेडी डाल दी है मेन वाला चीज़, तो हम अंदर वाला प्रोग्राम लिखेंगे ओनली, या आपको कम्प्लीट लिखना है तो कम्प्लीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहीं से कॉपी करूँ, अगर मेरी जो जो प्रो PPT है या PDF है, यहीं से आपको कॉपी करता हूँ ये वाला प्रोग्राम, लास्ट में मैं आपको ये PDF भी उपलब्ध करा दूँगा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके यहाँ के पे पेस्ट कर देता हूँ उसको मैं, क्या होगा एक सेकंड,
ओके आई थिंक उसमें दिक्कत आ रही है, मैं लिख देता हूँ उस प्रोग्राम को यहाँ पे। इसमें अच्छी बात है कि आप दोबारा से खोलता हूँ मैं ये प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ अपना, इतने मैक्सिमम चीज़ें पे मोबाइल में एक्चुअली इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है काम करने में। ओके मैंने वही वाला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, इंक्लूड stdio.h int main void printf hello world \n। अब इसको अपन क्या करें, रन कर सकते हैं, रन का ऑप्शन यहाँ पे आता है, रन करें, रन करके देखते हैं क्या है आउटपुट। इसमें इसने कुछ एरर दे दी, देखो एरर थी क्योंकि इसका मतलब अपन ने कुछ गलत किया, कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम में एरर है, तो वापस जाते हैं देखते हैं क्या है। ये इसमें अपन ने क्या किया, जो डबल कोट्स लगाना था वो नहीं लगाया, इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि ये वाले जो डबल कोट नहीं था, एक छोटी सी गलती इसमें पूरे प्रोग्राम को गलत कर सकती है। हेलो से पहले डबल कोट, इसको डबल कोट बोलते हैं, वो अपन आराम से देखेंगे, पहले एक प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम रन हो जाए ये देखते हैं अपन। ओके एग्जीक्यूटेड, अभी इसका टाइम क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड, ऐसे समझते। तो इसके बाद अपने को सिंपल क्या है, यहाँ पे आराम से प्रोग्राम लिख सकते हो, कौन सी वेबसाइट है, codesafe.com, ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है सी लैंग्वेज, आगे GCC 6.3 उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम इस टाइप का कोई प्रोग्राम आप लिख सकते हो यहाँ पे, जब भी प्रॉपर प्रोग्राम आप लिख देगो, रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इस टाइप से। अगर आपको पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में कोई प्रोग्राम रन करना है तो कोई प्रोग्राम आराम से यहाँ पे रन करके देख सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। ठीक है वापस चलते हैं, इस टाइप से अपन ने, ये मैंने कंप्यूटर पे रन करके देखा था, वहाँ पे DevC++ कंपाइलर है, वहाँ पे इस टाइप का अपने को आउटपुट आ जाता है। तो इस क्लास में अपन ने ये देखा कि कोई भी प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर बेसिक स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।